मुकेश अंबानी के बिजली का बिल कितना आता है, मुकेश अंबानी अपने फोन में कौन सा सिम यूज करते हैं, और क्यों आपको फोन की ब्राइटनेस डिम नहीं करनी चाहिए, क्या आप एक ऐसी गन को जानते हो जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, एक ऐसी जगह जहां आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो और फोन को डायरेक्ट स्विच से चार्ज करें तो क्या होगा, और एक ऐसा शो जिसमें एक्टिंग के नाम पर लोगों को सच में मार दिया जाता था। आप भी जानना चाहते हो ऐसे ही ढेरों अमेजिंग फैक्ट्स, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 25, इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को तो हर कोई जानता है, और लोग ये भी जानते हैं कि उनका घर एंटीलिया कितना बड़ा और आलीशान है। तो इतने बड़े घर में बिजली का बिल कितना आता होगा? आम आदमी के घर 2000 बिल भी मंथ में ज्यादा होता है, उस हिसाब से इनका बिल तो इससे 1000 गुना ज्यादा है। इनके घर में 6 फ्लोर की वर्टिकल पार्किंग है, जहां कार को ऊपर नीचे लेकर जाने में बिजली का यूज होता है, और यहां 9 लिफ्ट हैं, और 50 लोगों के लिए थिएटर है, और एक रूम है जहां कश्मीर जैसी ठंडी होती है जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, और टोटल यहां 500 से ज्यादा रूम्स हैं। यहां 5 जने रहते हैं और इनके 600 लोगों का स्टाफ है, और इसीलिए हर महीने इनका 17 लाख रुपए का बिल आता है। इनके 4 महीने के बिजली के बिल से लोग एक अच्छा खासा नया घर बना लेंगे। नंबर 24, साल 1957 में यूएसए की सीक्रेट एजेंसी ने एक ऐसी गन डेवलप की थी जो हार्ट अटैक दे सकती थी। इस गोली में एक खास टाइप का लिक्विड इंजेक्ट किया जाता था जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता था, आपके हार्ट को ज्यादा पंप करने पर पॉज कराता था, और इससे आपको हार्ट अटैक आता था। यह गोली बहुत पतली थी और ऐसी बनाई जाती थी ताकि शरीर के अंदर जाने के बाद 7 घंटों में डिसॉल्व हो जाए, और इसीलिए किसी को पता भी नहीं चलता था। नंबर 23, एक महिला है जो ऐसा काम करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये मरे हुए लोगों के आई लैशेज से डायमंड बनाती है, और इस डायमंड से फिर आप चाहो तो रिंग भी बना सकते हो। ऐसे उनकी यादें आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगी। कई लोग इनसे डायमंड बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इसीलिए 2017 में इन्होंने इंटरनेवा नाम की एक कंपनी स्टार्ट कर दी। नंबर 22, कई सारी स्टडीज में यह देखा गया है कि जब एक आदमी मर जाता है तो उसके बाद आपको ये पता चलता है कि आप मर गए हो, यानी आपकी मेमोरी मरने के कुछ वक्त बाद भी एक्टिव रहती है। इसको पक्का तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जैक पर्सन्स नाम के एक व्यक्ति ने इस चीज का पता इलीगल तौर पर लगाया था, और उनकी रिसर्च पूरी होने से पहले उन्हें पकड़ लिया गया, और उनके हाफ रिसर्च की माने तो मरने के कुछ वक्त तक ह्यूमन माइंड एक्टिव रहता है। नंबर 21, क्या रात को फोन की लाइट डिम करने से हमारी आंख बचती है? दरअसल बिल्कुल नहीं, ये कम्प्लीटली मिथ है। लोग मानते हैं कि हम अंधेरे में लाइट डिम करके फोन की बैटरी और अपनी आंख दोनों को बचा रहे हैं, पर असल में बस बैटरी ही बचती है, क्योंकि अंधेरे में लाइट डिम करने से हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और आंख पर ज्यादा टेंशन क्रिएट होगा, इसीलिए हम डिम फोन को ज्यादा देर नहीं देख सकते। आपको स्टार्ट में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, पर आपको हमेशा रात को ब्राइटनेस 7 से 15 के बीच में रखनी चाहिए, क्योंकि 25 से ज्यादा ब्राइटनेस रखने पर आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, इसीलिए ब्राइटनेस रखने के लिए 7 से 15 और मिनिमम 5 और मैक्सिमम 19 बेस्ट है। नंबर 20, एक आदमी को इंडोनेशिया में अपार्टमेंट बनाना था और उसके पास ज्यादा जगह नहीं थी, तो उसने अपार्टमेंट ऐसा बनाया जहां वो एक वॉल के दम पर खड़ा हो, और ये वॉल जमीन में काफी गहराई तक है ताकि इस अपार्टमेंट को सपोर्ट कर सके, पर अगर इस वॉल में थोड़ी भी क्रैक आ गई तो ये अपार्टमेंट सीधा नीचे गिर जाएगा। नंबर 19, आपको इंडिया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में तो पता ही होगा। इस स्टैच्यू को बनाने में 3000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। ये इतना बड़ा है कि ये आपको स्पेस स्टेशन से भी दिखता है, और ये स्टैच्यू मिड स्पेस यानी कि स्पेस और अर्थ बीच से एकदम क्लियर दिखता है। इतना बड़ा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नंबर 18, क्या आपको पता है डेड बॉडी जो होती है वो डरावनी आवाजें निकाल सकती है, जो कि ऐसी सुनाई देती हैं जैसे कि कोई रो रहा हो या फिर घर्राटे ले रहा हो, ऐसी आवाज निकालती है, और अगर आप इसे सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल किसी भूत की फिल्मों जैसा होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को जिंदा करने के लिए उनको एक्सेसिव हवा देते हैं, और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, पर वो ईयर उनकी बॉडी के अंदर होती है, इसीलिए जब वो बाहर निकलती है और इंसानी शरीर में और भी गैसेस होती हैं तो सब एक साथ निकलने की वजह से ऐसी आवाज निकलती है। नंबर 17, हमारी जो बॉडी है वो इतनी एडवांस है कि अगर हम चाहें तो हमारे बस 1 ग्राम जितने डीएनए से हम गूगल और फेसबुक का सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, और हमारी बॉडी में कई किलो जितना डीएनए है। अब सोचो कि हमारी बॉडी में कितना सारा इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है, और ये सब जीन्स के रूप में स्टोर है। नंबर 16, क्या आपको ये पता है मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है, तो वो कौन सा फोन यूज करते हैं? उनके पास खुद की एक सिम कार्ड की कंपनी है, तो क्या वो किसी और का सिम कार्ड यूज करते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सब के मन में आते हैं। तो मुकेश अंबानी से इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, पर वो कभी बताते नहीं थे। और एक बार
एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने फाइनली बताया कि वो दो फोन यूज करते हैं, जिसमें से एक है ब्लैकबेरी और दूसरा है HTC, और ये दोनों कोई बड़ी फोन की कंपनी नहीं है, पर ये मुकेश अंबानी के पर्सनल फेवरेट है। और रही बात सिम कार्ड की, तो ये जियो का सिम कार्ड ही यूज करते हैं, पर जियो आने से पहले ये वोडाफोन की सिम यूज करते थे। नंबर 15, आपने कभी ना कभी वड़ा पाव तो खाया ही होगा। वड़ा पाव ज्यादा से ज्यादा कितने रुपीज का हो सकता है? आप कहोगे 30 रुपए का, पर दुबई में 2000 रुपए का वड़ा पाव मिलता है। इस वड़ा पाव को एक टेक्स बॉक्स में दिया जाता है और ये बिल्कुल ही एक आम वड़ा पाव की तरह है। बस फर्क इतना है कि इसको गोल्डन लीफ में पैक किया जाता है और ये 22 कैरेट गोल्ड है। नंबर 14, बॉक्सिंग मैच के पहले बॉक्सर्स अपने मुंह में ये क्या डालते हैं? अगर आपने कभी बॉक्सिंग मैच देखे होंगे तो आपने बॉक्सर के दांत में ये नोटिस जरूर किया होगा। तो ये क्या होता है? सबसे पहला कि ये दांतों को और लिप्स को बचाता है, और सबसे ज्यादा ये बॉक्सर के दिमाग को बचाता है। हाँ, आपने सही सुना, आपने देखा होगा कि जबड़े पर पंच पड़ने के बाद लोग बेहोश हो जाते हैं। ये ब्रशेज इसी इम्पैक्ट को रोकता है और हमारे दांत से नसें कनेक्ट होती हैं जो दिमाग में जाती हैं, और पंच लगने पर नसों को डैमेज होता है और इसीलिए हमारा दिमाग शट डाउन हो जाता है। और ये ब्रशेज पंच के इम्पैक्ट को दिमाग पर गिरने से बचाता है और बॉक्सर को जल्द ही नॉकआउट नहीं होने देता और बॉक्सर ज्यादा देर तक लड़ पाते हैं। नंबर 13, साल 2018 में जो लोग एलेक्सा यूज करते थे, उन सबको एलेक्सा में अजीब से हंसने की आवाज आने लगी थी, वो भी बिना मालिक के बोले। और सबसे अजीब बात तो ये है कि एलेक्सा में एलेक्सा जैसी नहीं बल्कि एक रियल इंसान की आवाज आ रही थी। ये कई लोग इससे डर गए थे क्योंकि कई बार ये आवाज आधी रात को आती थी, जो कि बहुत ही डरावनी थी। और कई लोगों ने इसकी कंप्लेंट गूगल से की, और कंप्लेंट पर गूगल ने कुछ घंटों में ही बता दिया कि ये एक ग्लिच था और उसके बाद ये आवाज कभी नहीं आई। पर रियल में ये ग्लिच था या नहीं, ये कोई नहीं जानता। नंबर 12, अगर आपको इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है तो आपको ये करना चाहिए, आपको इंजेक्शन लगवाने से पहले एक बार खांसना चाहिए और इंजेक्शन लगवाते वक्त भी एक बार खांसना चाहिए, लेकिन धीरे से, और इंजेक्शन के दौरान हमेशा हाथ को लूज रखना है क्योंकि अगर आप हाथ को टाइट करोगे तो आपको ज्यादा दर्द होगा। नंबर 11, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऑटो पायलट जो कि स्लीपर्स में है। ये जो आप स्मार्ट स्लीपर्स देख रहे हो, ये ऑटो ड्राइविंग स्लीपर्स है। एक बटन दबाने से ये आपको अपनी डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगी और जहां भी आप मार्क करके रखेंगे वहां ये हमेशा ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएगी। अब आपको चप्पल चोरी होने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। नंबर 10, 2017 में नॉर्थ कोरिया में मदर्स डे को बैन कर दिया गया था। दरअसल मदर्स डे के दिन सब अपनी माँ को प्यार करते हैं, उनके लिए गिफ्ट लाते हैं, और इससे किम जोंग उन बहुत ही नाराज हो गए थे क्योंकि इस दिन लोग इनको ज्यादा प्यार नहीं देते थे, और इसीलिए किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में मदर्स डे को बैन कर दिया और उसके जगह मदर्स डे के दिन भी किम जोंग उन का नाम लिया जाता है। नंबर 9, अगर मैं आपसे पूछूं कि हफ्ते में सबसे बुरा दिन कौन सा है तो मेजॉरिटी में लोगों का आंसर होगा मंडे। आम दिनों के मुकाबले लोग मंडे को कम हंसते हैं और इस दिन 65% लोग 11:30 बजे तक हंसते भी नहीं, यानी कि उठने के बाद लोग पहली बार स्माइल मंडे को 11:30 बजे के बाद ही करते हैं। नंबर 8, क्या आपको पता है हमारा जो स्मार्टफोन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी प्रोसेसर रेत से बनता है? प्रोसेसर बनाने के लिए रेत को बहुत ही ज्यादा गर्म किया जाता है और इसमें से सिलिकॉन बाहर निकलता है। सिलिकॉन सबसे सस्ता और बेस्ट सेमीकंडक्टर है और इसीलिए इसको यूज करते हैं। इसको एकदम सही से चेक किया जाता है और फिर निकाले गए सिलिकॉन से प्रोसेसर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से से चिप बनता है। पर जहां पर चिप बनता है वो दुनिया की सबसे साफ जगह होती है क्योंकि जो चिप होती है उसमें कई सारी छोटी चीजें होती हैं, इसीलिए एक रेत का दाना भी पूरा प्रोसेस को बिगाड़ सकता है। और इस चिप को बनाने के बाद उसे तुरंत प्रोसेसर में लगा दिया जाता है, जिसके बाद वो कंप्यूटर और फोन की कंपनी को दे दिए जाते हैं। ये तो हमने आपको शॉर्ट में बताया है। इन चिप्स को बनाने में 4 महीने से ज्यादा वक्त लगता है और इसीलिए प्रोसेसर इतने महंगे भी आते हैं। नंबर 7, आपने कभी स्क्रू ड्राइवर के ऊपर लगे इस येलो कलर के पार्ट को देखा होगा, लेकिन आखिर इसका काम क्या होता है? अगर आपने कभी लंबा वाला स्क्रू ड्राइवर यूज किया है तो आपको पता होगा कि ये येलो पार्ट सॉफ्ट और रबर से बना होता है, और स्क्रू ड्राइवर खासकर इलेक्ट्रॉनिक कामों में ही इस्तेमाल किया जाता है। और स्क्रू ड्राइवर पूरा मेटल का बना होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन वहीं पर रबर उसको कंडक्ट नहीं करता, इसलिए ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और आपको शॉक लगने से बचाता है। जब भी इलेक्ट्रिशियंस इलेक्ट्रिक चीजों को फिक्स करते हैं तो वो रबर वाले हिस्से को ही पकड़ते हैं ताकि उनको शॉक न लगे, और ये एक सेफ्टी फीचर है। नंबर 6, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, जी हां, ज्योग्राफिकली जो साउथ पोल है वहां अगर आप जाओगे तो वहां टेक्निकली टाइम ट्रैवल कर सकते हो। ये वो जगह है जहां दुनिया के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहां पर एक पोल है और अगर आप उस पोल के राउंड घूमोगे तो आप एक दिन आगे और एक दिन पीछे जा सकते हो, क्योंकि इन सब देशों का अपना टाइम जोन है। इसीलिए अगर कहीं सनराइज नहीं हुआ है और अगर आप उस टाइम जोन में जाते हो तो आप एक दिन पीछे चले जाओगे, और अगर आप उस टाइम जोन में जाते हो जहां अभी रात के 1 बज रहे हैं तो आप कह सकते हो कि आपने एक दिन आगे टाइम ट्रैवल किया है। नंबर 5,
पहले रोमन में मुजरिमों को सजा देने के लिए उनको एक नाटक का हिस्सा बना दिया जाता था, और अगर वो नाटक में वो कैरेक्टर मर जाता था तो फिर उस मुजरिम को रियल लाइफ में भी मार दिया जाता था। यह उनके एंटरटेनमेंट का एक तरीका था, और यह तब तक होता था जब तक कि मोस्टली क्रिमिनल मर ना जाए। नंबर 4, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। पर एक बार आप इन इजिप्ट के राजाओं के बारे में सोचिए, इन्होंने इतनी मेहनत से ये बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए और हम इंसान इसे एलियन का चमत्कार कहते हैं। ये बात सुनने के बाद पक्का इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। नंबर 3, हाल ही में दो ट्विंस का जन्म हुआ था और इन दोनों के बीच 15 मिनट का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक साल का डिफरेंस है। दरअसल इन दोनों का जन्म दिसंबर 31 की नाइट को हुआ था, और इसमें से एक 31 से पहले पैदा हुआ था और दूसरा 31 के बाद, जिसके चलते एक का जन्मदिन 2021 में हुआ और दूसरे का जन्मदिन 2022 में। ये काफी कमाल का कोइंसिडेंस था। नंबर 2, क्या होगा अगर हम फोन को डायरेक्ट स्विच से चार्ज कर दें? हमारे हर एक फोन के साथ एक पर्टिकुलर वोल्ट का चार्जर आता है, और जितना ज्यादा वोल्ट का चार्जर होता है फोन उतना ही जल्दी चार्ज होता है। अब तक फास्टेस्ट से फास्टेस्ट 64 वोल्ट का चार्जर होता है, पर हमारे जो स्विच बोर्ड है उसमें 200 वोल्ट जितनी बिजली चलती रहती है। तो अगर हम उसमें से फोन को अगर डायरेक्ट चार्ज कर देंगे तो क्या फोन बस 2 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा? देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फोन ब्लास्ट हो जाएगा, पर असलियत में ऐसा नहीं होगा। आजकल के जो स्मार्टफोन है उनके अंदर लिमिटर लगे होते हैं जो कि एक लिमिटेड बिजली को ही बैटरी में जाने देते हैं, और अगर बिजली का वोल्ट उससे ज़्यादा है तो वो फ़ोन को चार्ज नहीं करते। इसलिए अगर आप डायरेक्ट चार्जर को स्विच में डाल दोगे तो आपका फ़ोन चार्ज होता हुआ तो देखेगा, लेकिन चार्ज होगा नहीं। नंबर 1, जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनको लोग फोर्स करते हैं कि शादी कर लें, और इस आदमी का पड़ोसी इसे कई टाइम से कह रहा था कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और इससे ये आदमी इतना ज़्यादा तंग हो गया कि इसने उस आदमी का मर्डर कर दिया। उस आदमी को इतना गुस्सा आ गया था कि उसने अपने पड़ोसी का ही मर्डर कर दिया। वाह भाई, अब आपने ये तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है क्या होगा अगर आप 7 दिन तक पानी पीना बंद कर दें? एप्पल के आईफोन में ये होल क्यों होते हैं? निर्मा पाउडर में दिखाई गई ये लड़की कौन है? आंखों के साइड में ये पिंक चीज का क्या काम होता है? और क्यों चीन में डूबते हुए इंसान को बचाना इलीगल है? अगर नहीं जानते तो ये रहा लिंक, फटाफट से जाओ और देख लो, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।